चलिए दोस्तों करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। बेटे आज की जो मेरी क्लास है इसमें मैं आप सब बच्चों को जो टॉपिक करवा रहा हूं इस टॉपिक का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। ये वाला टॉपिक आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटे, और आप लोगों के सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के सिलेबस में। देखो मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का जो आप लोगों का सिलेबस है उसमें कंसाइनमेंट अकाउंट जो टॉपिक है, अगर तो ये पेपर में आता है तो मोस्ट ऑफ केस में इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स रहने वाला है। देखो मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन ये कंसेप्ट को लेकर के आपकी बुक में 5 टॉपिक्स है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है कंसाइनमेंट अकाउंट्स का, सेकंड आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, थर्ड आता है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, फोर्थ आता है एवरेज ड्यू डेट, और फिफ्थ आता है बेटे अकाउंट करंट। ये 5 चैप्टर अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में कवर किए गए, और आपका जो सीए इंस्टीट्यूट है इन 5 चैप्टर में से 20 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आपको बना करके देता है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि 20 मार्क्स का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन 5 टॉपिक्स को मिला करके बनता है, जिनमें कंसाइनमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट एंड सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये 5 टॉपिक उसमें कवर्ड हैं। और इंस्टीट्यूट रैंडमली जनरली क्या करता है, कभी आपको कंसाइनमेंट का क्वेश्चन देता है तो कभी आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन देता है, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस भी चैप्टर से क्वेश्चन आता है जनरली तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट्स का ये जो कंसेप्ट है इसको डिस्कस करेंगे, और आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि कंसाइनमेंट क्या होता है, उसमें कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, और कंसाइनमेंट में जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनका यूज क्या है, वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कंसाइनमेंट अकाउंट का जो कंसेप्ट है बेटे, ये देखिएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में 2 पार्टी इन्वॉल्व अपन करेंगे। फर्स्ट पार्टी का नाम होगा कंसाइनर, और सेकंड पार्टी का जो नाम होगा वो होगा कंसाइनी। फर्स्ट पार्टी जो है कंसाइनर और सेकंड पार्टी का नाम होगा कंसाइनी। आप यूं कह सकते हो कि कंसाइनी एक तरह से हमारे लिए एज अ एजेंट काम करेगा। आप यूं कह सकते हैं कि कंसाइनी हमारे लिए एज अ एजेंट काम करने वाला है। कंसाइनी वो पर्सन है जो हमारे लिए एज अ एजेंट काम करेगा। देखिए जनरली कंसाइनर कौन है, जो किसी भी तरह की गुड्स का या तो मैन्युफैक्चरिंग करता है या तो ट्रेड करता है, और कंसाइनर ने अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल करना है। अब कंसाइनर यानी कि जो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है, ये अपना प्रोडक्ट लेकर के चला गया होलसेल मार्केट में या किसी भी पर्सन के पास जो कि आगे गुड्स का डीलर है। अब यहां हमने क्या किया, अगर हमने, अब मेरी बात को समझना, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, ये गुड्स की जो है सेल करने के लिए हम लोग गए एक डीलर के पास, और हमने बोला डीलर से कि भाई आप हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो हमसे परचेज कर ले। लेकिन जो हमारा डीलर है वो ये कहता है सर आपका ये जो प्रोडक्ट है इसकी ना अभी मार्केट में डिमांड नहीं है। तो मार्केट में डिमांड ना होने की वजह से आपका ये प्रोडक्ट अभी हम परचेज आपसे नहीं कर सकते। तो मार्केट में अभी प्रोडक्ट की डिमांड ना होने की वजह से हमसे लोग स्टॉक खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने अपने कुछ एजेंट बना लिए। हमने क्या किया, हमने अपने कुछ एजेंट बना लिए। हमारे जो एजेंट हैं ये वो लोग हैं जो हमें स्टॉक, हम जिनको स्टॉक की सप्लाई देते हैं, और जो हमारे बिहाफ पर हमारा स्टॉक आगे कस्टमर को डायरेक्टली सेल करते हैं।
यानी कि यूं कह लो कि ये लोग हमारे एज अ एजेंट काम करने वाले लोग हैं। मतलब हमने क्या किया, इन लोगों को कंसाइनर ने, कंसाइनी को जो गुड सेंड किया, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट में क्या होता है, ओनली कंसाइनमेंट में क्या होगा तो लिखिएगा ओनली ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू कंसाइनी। हमने कंसाइनी को केवल गुड्स ट्रांसफर की हैं, नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, नॉट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। कंसाइनर ने कंसाइनी को ये बोला कि भाई हम आपको केवल गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, इसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। यानी कि कंसाइनर ने कंसाइनी को स्टॉक सेल नहीं किया है, कंसाइनर ने कंसाइनी को स्टॉक सेंड किया है, कंसाइनर ने कंसाइनी को स्टॉक सेंड किया है। इस कंडीशन पर कि कंसाइनी उसको सेल करेगा, सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स। हम गुड्स किसको सेल करेंगे बेटे, कस्टमर्स को। और कंसाइनी कस्टमर को जो गुड्स सेल कर रहा है वो कमीशन बेसिस पर कर रहा है, कमीशन बेसिस पर गुड्स को सेल कर रहा है। यानी कि कंसाइनी को उसके बदले में क्या मिलने वाला है, कमीशन। यानी कि हमने कंसाइनी को अपना एजेंट अपॉइंट कर दिया कि भाई आप हमारा स्टॉक कस्टमर को सेल करो, जिसके बदले में हम आपको देने वाले हैं कमीशन। सही है? तो कंसाइनी को स्टॉक हम सेंड करेंगे, कंसाइनी स्टॉक की डिलीवरी लेगा और कंसाइनी उस स्टॉक को आगे हमारे कस्टमर्स को सेल कर देगा। सेल करके जो प्राइस रियलाइज होगा, उस रियलाइज्ड प्राइस का एक पार्ट हम आपको एज अ कमीशन पे करेंगे। ये मतलब है इस बात का। नहीं, कंसाइनी जो होगा वो कंसाइनर से कमीशन लेगा ना। जैसे मैंने आपको अपना एजेंट बना दिया, मैंने बोला कि आप हमारे एजेंट बन जाओ, हम एक काम करते हैं, हम विशेष पेन बना लेते हैं। सही है? हमने बोला कि आप इंस्टीट्यूट आते हो तो बस से ट्रेवल करते हो, तो आप एक काम कर लिया करो, आप हमारे ये पेन जो अपनी बस में जाके सेल कर दिया करो, है ना। बस में जाके जब सारे पैसेंजर बैठे हो तो आप बैग से पेन निकालो और बेचो। और जो आपका रिस्क नहीं है, क्योंकि बैग में पेन भर के हम देंगे आपको, आपने हमसे परचेज नहीं करने, आप तो बस ले जाओ, कस्टमर्स को सेल करो। मेरे को भी बोलने का मौका दो भाई, है ना, मैं पढ़ा रहा हूं। तो अपन क्या करेंगे, कंसाइनी को हम लोग, हमने स्टॉक दे दिया, आपका काम है कस्टमर्स को सेल करना। सेल करके जो प्राइस रियलाइज होगा उसके ऊपर हम आपको एक कमीशन दे देंगे और बाकी पैसे हम आपसे टेक ओवर कर लेंगे। यानी आपका कोई रिस्क नहीं है, आपको हमने स्टॉक दिया, आप बेच पाए तो आपको कमीशन मिल जाएगा, आप नहीं बेच पाए तो आप आपका पूरा स्टॉक हमें लौटा दो, आपका कोई रिस्क नहीं। हमने सिर्फ आपको स्टॉक ट्रांसफर किया है, ना तो हमने उसकी ओनरशिप आपको दी है, ना तो आपको हमने बेचा है, ना आपने हमसे खरीदा है। आप तो बस हमारे बिहाफ पर एज अ एजेंट हमारा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अगर आपसे सेल हो गया तो उसके बदले में आपको मिल जाएगा कमीशन। इतना ही रोल है बस। सही है? तो
तो जो गुड्स आपको हमने ट्रांसफर की उसका ओनर आज भी कौन रहेगा? कंसाइनर। गुड्स की ओनरशिप किसके पास रहेगी? कंसाइनर के पास। तो गुड्स की ओनरशिप अगर कंसाइनर के पास है, आप मेरी बात को सुनना, ओनर ऑफ गुड्स आज भी कौन रहेगा? कंसाइनर रहेगा। और कंसाइनी हमारे लिए एज अ एजेंट काम करेगा। तो कंसाइनी हो गया हमारा एजेंट, जो हमारे लिए एज अ एजेंट काम करेगा। और कंसाइनी कंसाइनर को, जो कंसाइनर क्या करेगा, कंसाइनी को जो गुड्स सेंड करेगा और कंसाइनी उसको आगे कस्टमर्स को सेल करेगा, जिसके बदले में हम उसको कमीशन जो है पे करने वाले। सब बच्चे बताओ क्लियर है? अब जो गुड्स सेंड किया गया कंसाइनमेंट में, सबसे पहली बात, इस पूरे प्रोसेस में हमें सबसे पहले ना दो चीजें पढ़ लेनी है। एक तो पढ़नी है टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, एक तो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। और जब टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस पढ़ा दूंगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ कमीशन। पहले जो बेसिक बातें हैं वो सारी क्लियर करूंगा, और जब बेसिक बातें क्लियर हो जाएंगी तब आगे की बात मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो टाइप्स ऑफ कमीशन की बात करने से पहले अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। तो भाई कंसाइनमेंट में हमारे सामने दो तरह के एक्सपेंस होंगे। पहला एक्सपेंस होगा नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। कंसाइनमेंट में कुछ खर्चे होंगे, उन खर्चों में पहला नाम होगा नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, जिसे आप डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। और नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कब होंगे, तो लिखिएगा एक्सपेंस इनकर्ड फॉर सेंडिंग गुड्स फ्रॉम कंसाइनर्स गोडाउन टू कंसाइनीज गोडाउन। कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी के गोडाउन तक स्टॉक को लेकर जाने के जो एक्सपेंस होंगे, उसे हम लोग नॉन रेकरिंग एक्सपेंस का नाम देंगे। इसमें अगर मैं बात करूं, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस आ गया, अगर हम लोग बात करें इसमें ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस आ गया, इसमें लोडिंग अनलोडिंग का एक्सपेंस आ गया, लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंस आ गए, इसमें फ्रेट कैरिज ये सब आ गया, फ्रेट कैरिज टैक्स इन ट्रांजिट, किसी भी तरह के रास्ते में अगर कोई टैक्स लगे, तो कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी के गोडाउन तक स्टॉक को लेकर जाने के जो एक्सपेंस होंगे, इन्हें हम लोग नाम दे देंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, या आप इसे नाम दे सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है बेटे जो कंसाइनर गुड सेंड करेगा कंसाइनी को, तो कंसाइनर के गोडाउन से कंसाइनी के गोडाउन तक स्टॉक को लेकर जाने में जो भी आपके एक्सपेंस लगे, उन एक्सपेंस को अपन नाम दे देंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। नंबर टू, मैं आप लोगों को बता दूं, नंबर टू हम लोग डिस्कस करेंगे रेकरिंग एक्सपेंस। नंबर टू हम लोग डिस्कस करेंगे बेटे रेकरिंग एक्सपेंसेस। रेकरिंग एक्सपेंस का नाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है। रेकरिंग एक्सपेंस का नाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकता है। अगर अपन रेकरिंग एक्सपेंस की बात करें, तो
तो भाई रेकरिंग एक्सपेंस कौन से होंगे? ऑल एक्सपेंस इनकर्ड आफ्टर रिसीविंग गुड्स इन कंसाइनीज गोडाउन। वो सारे खर्चे जो किए गए कंसाइनी के गोडाउन में स्टॉक रिसीव करने के बाद, उसे हम लोग नाम दे देंगे रेकरिंग। यानी कि कंसाइनी के गोडाउन में स्टॉक जब रिसीव हो गया, उसके बाद जो खर्चे हुए उसे हम लोग नाम दे देंगे रेकरिंग। रेकरिंग एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे? तो लिखिएगा गोडाउन रेंट, गोडाउन इंश्योरेंस, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। जब गुड्स को कंसाइनी सेल करेगा तो कंसाइनी को ये सब खर्चे करने पड़ेंगे। तो जनरली एक एक्सपेंस कब हुए? जब कंसाइनर ने गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में सेंड की, तो उन्हें अपन कौन से एक्सपेंस का नाम देंगे? नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। और जब गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में रिसीव हो गई, उसके बाद जो खर्चे हुए उसे अपन कौन से एक्सपेंस का नाम दे देंगे? रेकरिंग एक्सपेंस। तो दो तरह के हमारे एक्सपेंस हो गए, एक हो गए नॉन रेकरिंग और एक हो गए हमारे पास रेकरिंग। सब बच्चे बताओ, पहले तो ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? एक हमारे पास हो गए नॉन रेकरिंग, एक हमारे पास हो गए रेकरिंग। दो तरह के एक्सपेंस हमारे सामने निकल करके आएंगे। एक हमारे पास एक्सपेंस निकल कर आ रहे हैं नॉन रेकरिंग, एक हमारे पास एक्सपेंस निकल कर आ रहे हैं रेकरिंग। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? चलो, इतना वर्किंग करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे? आप बोलोगे सर आपने ये दो टाइप के एक्सपेंस क्यों डिवाइड किए? उसका मैं रीजन अभी जब मैं अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस करवाऊंगा तब मैं बताऊंगा दोनों एक्सपेंस को अलग अलग क्यों रखा गया, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको क्या करवा रहा हूं सुनिए, इतना काम आने के बाद इससे आगे की बात अगर मैं करूं तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टाइप्स ऑफ कमीशन। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टाइप्स ऑफ कमीशन कि अगर कमीशन की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ कमीशन कितने हो सकते हैं। देखो भाई, कंसाइनर कंसाइनी को स्टॉक सेंड करेगा और कंसाइनी ने जो स्टॉक रिसीव किया उसको कंसाइनी आगे सेल करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कंसाइनर जब कंसाइनी को स्टॉक सेंड करेगा तो हम कंसाइनी को एक कमीशन ऑफर तो करेंगे ना कि हम आपको इतना परसेंट कमीशन देंगे। और कंसाइनी के साथ बेटे जब हम लोग डील करेंगे तो हमारे सामने कौन कौन से एक्सपेंस आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जब हम लोग डील करेंगे, सबसे पहले नंबर पर जो कमीशन का नाम हमारे सामने आएगा उसे अपन नाम दे देंगे ऑर्डिनरी कमीशन। उसे हम लोग नाम देंगे ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन को आप नॉर्मल कमीशन का नाम भी दे सकते हैं, आप इसे ऑर्डिनरी कमीशन का नाम दें या आप इसे नॉर्मल कमीशन का नाम दें, मतलब एक ही है। आप इसे नॉर्मल कमीशन का नाम दें या आप इसे ऑर्डिनरी कमीशन का नाम दें, मतलब एक ही है। भाई नॉर्मल कमीशन या ऑर्डिनरी कमीशन कंसाइनर अपने कंसाइनी को देगा। जो एग्रीमेंट हमने कंसाइनी के साथ किया फॉर सेल ऑफ गुड्स
एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस फॉर सेल ऑफ गुड्स एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अगर कंसाइनी ने गुड्स को सेल किया नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर तो हम लोग उसे जो कमीशन देंगे वो होगा ऑर्डिनरी कमीशन। नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर जो हम कमीशन देंगे उसे हम लोग नाम बोलेंगे ऑर्डिनरी कमीशन। नंबर टू हमारे पास आएगा डेल क्रेडिटर कमीशन। अच्छा एक बात बताओ जरा सब बच्चे, कंसाइनर कंसाइनी को स्टॉक सेंड कर देता है और कंसाइनी उसको आगे सेल कर देता है जिसके ऊपर कंसाइनी को कमीशन मिलना है। अब एक बात बताओ, अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड सेंड कर दी, कंसाइनी ने उसको आगे सेल कर दिया उधार में, और जिस कस्टमर को हमने उधार में सेल किया वो कस्टमर बैड डेब्ट्स हो गया, पॉसिबल है वो कस्टमर बैड डेब्ट्स हो गया, तो अगर बैड डेब्ट्स हो गया तो वो बैड डेब्ट्स का जो रिस्क है वो किसका होगा, कंसाइनर का या कंसाइनी का? सेल तो कंसाइनी ने की थी लेकिन उस गुड्स के ऊपर ओनरशिप किसकी है? कंसाइनी तो केवल एक एजेंट है जो कंसाइनर के बिहाफ पर स्टॉक सेल कर रहा है। प्रैक्टिकली तो देखें तो ओनरशिप तो कंसाइनर की है, तो जिसकी ओनरशिप होती है रिस्क उसी का होता है। यानी कि अगर कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है और कंसाइनी उन गुड्स को आगे कस्टमर को सेल करता है जो कि हो गया बैड डेब्ट्स, तो उसका जो रिस्क होगा वो किसका होगा? कंसाइनर का ही होगा, कंसाइनी का नहीं होगा। अब कंसाइनर अपना रिस्क कम करना चाह रहा है तो कंसाइनर ने अपना रिस्क कम करने के लिए कंसाइनी को एक कमीशन ऑफर कर दिया, डेल क्रेडिटर कमीशन। यानी कि जो डेल क्रेडिटर कमीशन है ये एडिशनल कमीशन होगा, ये एडिशनल कमीशन होगा फॉर रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स। ये एडिशनल कमीशन होगा लेकिन ये किसके लिए होगा? रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स के लिए। इसका मतलब ये कि अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन दिया आफ्टर गिविंग दिस कमीशन रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स रिलेट विद कंसाइनी, यानी के अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउ कर दिया तो आफ्टर दैट रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स किसका हो जाएगा? कंसाइनी का हो जाएगा, कंसाइनर का रिस्क खत्म होगा। यानी के अगर सिंपल वर्ड्स में अगर अपन बात करें, अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया है तो रिस्क किसका रहेगा बैड डेब्ट्स का? कंसाइनर का। और अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया तो रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स किसका हो जाएगा? कंसाइनी का हो जाएगा। ये वाली बात बताएं सब बच्चे, क्लियर है क्या? नंबर थर्ड, अगर अपन बात करें ओवर राइडिंग कमीशन, नंबर थर्ड हम लोग बात करेंगे बेटे ओवर राइडिंग कमीशन। आप बोलेंगे सर ये क्या बला है भाई, ओवर राइडिंग कमीशन ये भी एडिशनल कमीशन है
एडिशनल कमीशन फॉर सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड अबव द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, यानी के ओवरराइडिंग कमीशन एडिशनल कमीशन है फॉर सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड अबव द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, यानी जो आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है अगर कंसाइनी उससे ज्यादा में सेल कर दे, जो आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है अगर कंसाइनी प्रोडक्ट को उससे ज्यादा में सेल कर दे तो उसे हम लोग नाम दे देंगे ओवरराइडिंग कमीशन। यानी ओवरराइडिंग कमीशन कंसाइनर कंसाइनी को दे रहा है किस पर्पस के लिए, अगर कंसाइनी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस रखता है अबव द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, तब ओवरराइडिंग कमीशन की बात हम लोग करेंगे। तो भाई अभी तक मैंने आपको कमीशन के कितने टाइप बता दिए, तीन कमीशन हमारे पास हो गए, थ्री टाइप के, और एक्सपेंस हमारे पास हो गए दो टाइप के। कंसाइनर अपने कंसाइनी को स्टॉक जब सेंड करेगा तो याद रखिएगा, एक वर्ड और बता रहा हूं जिसका नाम है परफॉर्मा इनवॉइस। अच्छा एक बात बताओ, क्या कंसाइनर कंसाइनी को जब स्टॉक सेंड करता है क्या वो उसको सेल कर रहा है? अब जब सेल नहीं कर रहा तो क्या हम उसका बिल रेज कर सकते हैं? तो बिल रेज नहीं कर सकते हैं। तो जब कंसाइनर कंसाइनी को स्टॉक सेंड करेगा तो रास्ते में डिपार्टमेंट गाड़ी नहीं रोक लेगा आपकी, बिना बिल का माल कैसे जा रहा है? सही बात है ना। और सेल का बिल इसलिए हम लोग रेज नहीं कर सकते क्योंकि सेल नहीं हो रही। तो ऐसे सिचुएशन में कंसाइनर कंसाइनी को परफॉर्मा इनवॉइस सेंड करेगा जिसमें डिटेल ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, डिटेल सब उसके अंदर दी गई होंगी, जो कि डिपार्टमेंट से अप्रूवल होता है, जिसमें क्वांटिटी रेट सब कुछ मेंशन होगा। मतलब कंसाइनर की तरफ से इंफॉर्मेशन जो जाएंगी परफॉर्मा इनवॉइस में जाएंगी। माल किसके पास पहुंच गया? कंसाइनी के पास। कंसाइनी जब उसको सेल करके हम कंसाइनी से डिटेल मांगेंगे कि बताओ भाई आपके पास स्टॉक की क्या डिटेल है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कंसाइनी हमें बनाकर देगा अकाउंट सेल। कंसाइनी हमें क्या बनाकर देगा बेटे? अकाउंट सेल बनाकर देगा। कंसाइनी हमें बनाकर देगा अकाउंट सेल। अब बोलोगे सर अकाउंट सेल क्या है? तो भाई अकाउंट सेल डिटेल रिसीव फ्रॉम कंसाइनी है, यानी कि कंसाइनी हमें अकाउंट सेल में पूरी डिटेल बनाकर देगा कि सर हमने आपका कितना स्टॉक सेल कर दिया, कितने हमारे एक्सपेंस हो गए, कितना हमारा कमीशन है, आज तक हमने आपको कितना पेमेंट दे दिया और कितना पेमेंट आपका पेंडिंग बनता है, उसकी पूरी डिटेल हमें कंसाइनी जो है वो बना करके देगा इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट सेल। तो कंसाइनर जब स्टॉक सेंड करेगा तो बनाएगा परफॉर्मा इनवॉइस, और कंसाइनी जब सेल करेगा और सेल की डिटेल हमें बनाकर देगा तो उसे अपन नाम दे देंगे अकाउंट सेल। तो भाई ये थी आपके कंसाइनमेंट अकाउंट को लेकर के बेसिक इंफॉर्मेशन। अब अपन अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी किस तरह की अकाउंटिंग एंट्री बनेंगी और दोनों की बुक्स में कैसे बनेंगे अकाउंट्स, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अलग अलग केस स्टडीज को पुटअप करके इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ने वाले। तो यूं ही बने रहो मेरे साथ आप, अगली क्लास में फिर हम लोग आगे की क्लास में इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।